हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज का डिस्कशन कर रहे थे। अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर पहले 13 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ क्वाइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई एक क्वाइल है, इज कनेक्टेड टू अ गल्वनोमीटर, उसको एक गल्वनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है। व्हाट वुड हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज, क्या होगा अगर किसी हम बार मैग्नेट को पुश्ड इनटू द क्वाइल, क्वाइल के अंदर ले जाएं, और विड्रॉन फ्रॉम द क्वाइल, क्वाइल से बाहर निकालें, हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड द क्वाइल, क्वाइल के अंदर रखें। आइए हम इसका पहले आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 13, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है, या फैराडे लॉ ये कहता है कि जब भी किसी क्वाइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्वाइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और क्वाइल में एक करंट प्रोड्यूस होती है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट केवल तभी तक प्रोड्यूस होता है जब तक क्वाइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है। तो आइए देखें, ये क्वाइल है आपका, इसमें गल्वनोमीटर लगा हुआ है, ये कोई एक मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम इस क्वाइल के पास ला रहे हैं, मीन्स इस मैग्नेट को हम इस क्वाइल के अंदर पुश कर रहे हैं। जब इस मैग्नेट को हम क्वाइल के इनसाइड पुश करेंगे तो क्वाइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। जब क्वाइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से या लेंज रूल से यहाँ पर करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगी कि ये मैग्नेट को रिपल करे, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा और यहाँ पर मोमेंटली डिफ्लेक्शन पाया जाएगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ डिफ्लेक्शन होगा, ठीक ना। तो द फ्लक्स इंक्रीजेज, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इज प्रोड्यूस्ड एंड गल्वनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। जब हम इस मैग्नेट को इस गल्वनोमीटर इस क्वाइल के अंदर पुश करेंगे तो पुश करने पर इस क्वाइल से पास से होने वाला फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से गल्वनोमीटर में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और करंट जो है प्रोड्यूस होगी। ओके, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है, जब हम मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो मैग्नेट को दूर ले जाने की वजह से इसमें से पास होने वाला फ्लक्स डिक्रीज होगा और फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब भी गल्वनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा लेकिन पहले वाले के अपोजिट डायरेक्शन में अब डिफ्लेक्शन शो होगा। यहाँ तो फ्लक्स डिक्रीजेज एंड गल्वनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक ना। ऑफ ए मीन्स ए फिगर में, ऑफ फिगर ए मीन्स ऊपर जिस डायरेक्शन में गल्वनोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। थर्ड केस है आपका, जब ये मैग्नेट इस कॉइल के अंदर स्टेशनरी रहेगा तो फ्लक्स तो पास होगा इस क्वाइल से लेकिन पास होने वाला फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इस क्वाइल में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा तो कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं प्रोड्यूस होगी और गल्वनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। इन दिस केस देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स, देयर फॉर नो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, सो देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। अब इस केस में क्वाइल से पास होने वाला फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा, इसमें कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होगी और ये डिफ्लेक्शन जीरो होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 14, टू सर्कुलर कॉइल्स ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, इफ द करंट इन वन कॉइल इज चेंज विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी, गिव रीजन। आइए देखें आंसर नंबर 14, ये कॉइल ए है जिसमें बैटरी और एक की लगी हुई है, ये कॉइल बी है। जब हम कॉइल ए में की को क्लोज्ड करते हैं, जब कॉइल ई हम इसमें करंट को क्लोज्ड करते हैं तो क्लोज्ड करने पर इसमें करंट फ्लो करती है, करंट जीरो से अपने मैक्सिमम वैल्यू की ओर इंक्रीज करती है। तो इस केस में कॉइल ए के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कॉइल बी से पास होती हैं,
तो कॉइल बी से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से कॉइल बी में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और एक करंट प्रोड्यूस होगी, कॉइल बी में डिफ्लेक्शन होगा। तो जब हम जो है कॉइल ए में करंट चेंज करेंगे तो पास रखी हुई कॉइल कॉइल बी में डिफ्लेक्शन होगा। उसका रीजन क्या है कि बी से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। स्टेट रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर। कोई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रूल हम यूज करते हैं। सेकंड है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट। कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया गया है, तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं। करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को हम रोटेट करें तो उसमें जो करंट इंड्यूस होगी उसके लिए किस लॉ का यूज करते हैं। आइए फर्स्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट में है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर, तो इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। किसका? राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ ये रूल ये कहता है कि हम करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से अपने हाथ में पकड़ें कि हमारा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में हो, तो कर्लिंग फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देंगी। तो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी स्ट्रेच अ करंट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन आवर हैंड इन सच अ वे दैट थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से रखें, इस तरीके से रखें कि थंब जो है करंट के डायरेक्शन में हो, देन कर्लिंग फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो कर्लिंग फिंगर होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देंगी। सेकेंड में पूछा गया है फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए करंट कैरिंग वायर, इसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे से परपेंडिकुलर इस तरीके से स्ट्रेच करके रखें कि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, ये करंट के डायरेक्शन में हो, तो ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच अ वे दैट फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं तो कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक करंट प्रोड्यूस होती है जिसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं या लेंज लॉ से फाइंड आउट करते हैं। लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से होती है कि वो उसी काज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होती है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द काज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरीके से करें कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन या कंडक्टर के मोशन के डायरेक्शन में हो और ये आप फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो आपकी मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को देगी। ओके, तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम निकालते हैं। किससे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। तो एक बार मैं फिर बता दूं, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाला जाता है। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं और किसी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं या हम इसको लेंज लॉ से निकालते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम डायनामो रूल कहते हैं और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम मोटर रूल कहते हैं।
ओके और लेंजिल्ला से और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम आती है। ओके तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15 तक। अब हम बात डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। 16 आपका क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग अ लेबल डायग्राम व्हाट इज फंक्शन ऑफ ब्रिसेज। आपको अल्टर एसी जनरेटर का लेवल डायग्राम बनाना है, उसका प्रिंसिपल वर्किंग एक्सप्लेन करना है और उसमें ब्रश का क्या फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेज। अर्थ वायर का क्या फंक्शन है और मेटालिक अप्लायंसेज को अर्थिंग करना क्यों रिक्वायर्ड है। तो ये तो आइए हम पहले शॉर्ट सर्किटिंग वाली बात कर लेते हैं। तो जब भी कभी लाइव वायर और आपके न्यूट्रल वायर आपस में टच हो जाते हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल हो जाता है, सर्किट में करंट ऑल ऑफ सडन इंक्रीज कर जाती है, इसको हम शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग में करंट वेरी हैवीली इंक्रीज होती है, रेजिस्टेंस वेरी लो हो जाता है और कभी कभी ओवरलोडिंग से भी शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। दूसरा आपका है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, अर्थ वायर का फंक्शन ये होता है कि जब कभी बाई फॉल्ट जो है अर्थ वायर का फंक्शन होता है कि जब कभी बाई फॉल्ट चार्ज किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के मेटालिक बॉडी पर चला जाता है, हम उसको अचानक टच कर लें तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, उस इलेक्ट्रिक शॉक से हमें बचाने के लिए अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग करने से उसका सारा चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाएगा, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे। ओके और इसमें पूछा जा रहा है व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक अप्लायंसेज और मेटालिक अप्लायंसेज को जो है वो अर्थ करना क्यों। अभी बताया कि मेटालिक अप्लायंसेज जो होते हैं उनकी मेटालिक बॉडी को हम अर्थिंग कर देने से हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक हमें नहीं लगता है। ओके अब हम डिस्कस करेंगे कि